जिसने गुरु धारण किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 80% लोगों ने गुरु धारण किया हुआ है, बहुत बढ़िया। यानी आप परमात्मा के रास्ते पे चल पड़े हो, निकलते हो घर से। अब पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, ये आज निर्णय होगा। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, नमन है उन गुरुओं को भी जिनको आपने धारण किया हुआ है। कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, उन गुरुओं को भी नमन है, सबको नमन है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अभी ये लाइन क्यों बोली, अपनी अपनी ठौर। जैसे देखो यहीं पर 3 मंजिल है, एक नीचे बैठे हैं, एक ठौर वो है, एक बीच है, एक ठौर ये है, एक थोड़ी सी ऊपर एक ठौर ये है, और एक छत है ऊपर एक ठौर ये है। यहीं पे 4 ठौर हैं, यानी 4 लेवल। अब हम कौन से लेवल पे बैठे हैं और कहां पहुंचेंगे, इसको जानना है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी शब्द विवेकी पारखी वो गुरु जो शब्द का पारख करे विवेक के द्वारा, तब समझो कि अब कल्याण होना ही होना है। कौन से शब्द का पारख करना है, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होनी है। कौन से शब्द से परमात्मा की प्राप्ति होगी, 2 प्रकार के शब्द हैं। एक है 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए शब्द, और एक है 52 से न्यारा शब्द, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। यानी एक शब्द वो है जो का खा गा आ आ ई ई चा छा जा टा ठा डा, इन अक्षरों से बनाए जाते हैं। जैसे राम, तो या रा ला वा इस लाइन में से ला उठा लिया, पा फा पा भा मा इस लाइन में से मा उठा लिया, आ का ड लगाया, बन गया राम। और भी शब्द है, हरे कृष्ण हरे राम ज्योतिरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम सत्पुरुष अकाल मूर्त शब्द रूपी राम, ओम तत्सत ओम कलिंग हरिंग शरी, सारे नाम जितने भी तुम बोल सकते हो, ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बने गए हैं। और वो नाम जो 52 से परे है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आदि अक्षर, इसको कहते हैं 52 अक्षर, उसको कहते हैं आदि अक्षर। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव धारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, आदि अक्षर ही सत सिमरण है और 52 अक्षर जंजाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षर और 52 अक्षरों के द्वारा लाखों करोड़ों नाम बना के बैठ गए। इतनी दुविधा में फंस गया ये संसार। तो साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए और गुपत नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोए। सतपुरुष का गुप्त नाम, यानी सतपुरुष सतपुरुष भी नहीं जपना है, सतनाम भी सतनाम नहीं जपना है। सतनाम है क्या, सतनाम का मतलब सच्चा नाम। अब गुरुजी ने दे दिया बेटा जपो सतनाम सतनाम, यानी जपो सच्चा नाम सच्चा नाम, लगे तुम जपने
सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अब किसी ने पूछा भैया क्या जप रहा है? मैं सच्चा नाम जप रहा हूँ। अरे सच्चा नाम थोड़ी नहीं जपना है, गुरु से पूछना है गुरु जी सच्चा नाम क्या है। जैसे तुमने बच्चे को कहा जाओ बेटा मीठा फल लेके आओ, अब वो चला गया दुकानदार के पास, दुकानदार कहता है क्या लेना है भाई, अब बच्चा कह रहा है मीठा फल दे दो। अरे मीठे तो सारे हैं, नाम भी तो बता कौन सा चाहिए। इसी प्रकार सच्चा नाम नहीं करना है, सच्चा नाम है क्या ये जानना है। सतनाम सतनाम नहीं जपना है, सतनाम है क्या ये जानना है। सतनाम क्या है? सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्यनाम है सार। अब ये सार क्या है? इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक सार एक असार। तो हमें क्या चाहिए? सार। कैसे मिलेगा? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूत सुहाए, और सार सार तो गई रहे ठोठा दे उड़ाए। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सार सार तो दे दे और ठोठा यानी नकली माल उड़ा दे। अब नकली माल है क्या पहले तो ये जानना पड़ेगा, क्या है नकली? सब कुछ तो असली दिख रहा है, मैं भी असली तुम भी असली, टेंट भी असली माइक भी असली सब कुछ असली, नकली क्या है? तो गीता में इसका भेद बताया गया है अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस काया को जानो यानी पांच तत्वों को, जिससे ये काया बनी है उसको असत्य जानो। तो अगर पांच तत्व हटा दिए जाए तो संसार में बचा क्या? ये पूरा संसार कितने तत्वों से बना है? पांच तत्वों से। अगर पांच तत्व हटा दे तो बचा क्या? क्योंकि असत्य ही असार है। अगर हम असार को हटा दें तो बचा क्या? केवल सार बचा। अब ये सार क्या है? हे अर्जुन असत्य तो ये संसार है, असत्य तो ये देह है, सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस काया का जन्म भी होता है, इस काया की मृत्यु भी होती है। हे अर्जुन ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी किसी भी समय में काल में बदलता नहीं है, और ये काया तो पल पल बदल रही है, ये संसार पल पल बदल रहा है। अभी धूप है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगी। अभी दिन है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, रात रहेगी। हर चीज बदल रही है, इसलिए जो बदले सो माया। तो केवल संसार ही बदल रहा है, क्या भगवान की मूर्ति नहीं बदल रही? जब कोई मूर्ति बनाना शुरू करता है तो कैसी होती है?
थोड़ा 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 सीमेंट गारा लगाया, मिट्टी लगाई, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बदल रही है, तैयार हो गई, पेंट कर दिया, मंदिर में चली गई, धीरे 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 पेंट फीका पड़ रहा है, धीरे 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 खंडित हो गई। उठा के मूर्ति को किसी नदी के किनारे रख दिया गया, बदल गई जगह, बदल गई। जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। और माया को अगर लांघना चाहते हो, इस त्रिगुणी माया को अगर लांघना चाहते हो, तो क्या पकड़ना पड़ेगा? सत्य को पकड़ना पड़ेगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांघना चाहते हैं, वो केवल और केवल आत्मा को जान ले। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को प्राप्त करने वाले ही सत्य को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा मेरी ही माया में उलझ पुलझ के बर्बाद हो जाते हैं, बार बार इस जन्म मरण के रोग में पैदा होते और मरते रहते हैं। ये रोग कभी खत्म नहीं होता। नहीं तो देख लो, कलयुग में बैठे हैं आप, सतयुग आया, क्या किया हमने? विष्णु जी की आराधनाएं करी, भोले शंकरों की पूजा करी, देवी देवताओं की पूजा करी, तो क्या मुक्ति मिल गई? सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। त्रेता में क्या किया? बड़े बड़े हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके राम राम किया, तो क्या मुक्ति मिल गई? फिर द्वापर आ गया, द्वापर में फिर वही काम किया, वही हवन यज्ञ किए, देवी देवताओं की पूजा करी, बहुत कुछ किया, मंत्रों का जाप किया, नदियों में स्नान किया, तीर्थों की यात्राएं करी, चार धाम यात्राएं करी, अपने माँ बाप को भी यात्राएं करवाई, तो क्या हुआ? मुक्ति मिल गई क्या? आज फिर यही बैठे हैं कलयुग में, और अगर अब फिर से वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता ने किया, तो मेरे भाई दोबारा फिर यही बैठे दिखाई दोगे। एक को भी मुक्ति नहीं मिल सकती, तो अब करना क्या है? अब उस सब विधियों को त्याग देना है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में करते आए थे, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी अर्जुन को समझाया है, अर्जुन सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। इस लाइन को लोग समझ ही नहीं पाए कि त्यागना क्या है। लोग सोच रहे हैं कि बाकी धर्मों को त्यागने की बात हो रही है, मुसलमान धर्म को त्याग दो, जैन धर्म को त्याग दो, बुद्ध धर्म को त्याग दो, ईसाई धर्म को त्याग दो, सिख धर्म को त्याग दो, और क्या करो? कृष्ण जी की पूजा करो। लोग ये समझ के बैठे हैं, जबकि द्वापर युग में ये बात बोली गई थी कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो बता दो, द्वापर युग में कौन सा धर्म था? क्या द्वापर युग में मुसलमान थे? क्या द्वापर युग में जैनी थे? क्या द्वापर युग में सिख भाई थे? क्या द्वापर युग में ईसाई थे? कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। कौन सा था वो? सनातन धर्म। अब जो सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की यात्रा,
नदियों में स्नान और मंत्रों के जाप, यही कुछ करते आ रहे थे। यही उस वक्त हमारा धर्म था। तो कृष्ण जी ने इन्हीं सब को छोड़ने की बात करी थी वहां पे, कि सब धर्मों को यानी भगवान को पाने की जितने भी क्रियाएं तुम करते हो सब छोड़ दो, सब को त्याग दो और एक मेरी शरण में आ जा, मतलब कि मेरी मूर्ति की पूजा करो। कभी नहीं, कृष्ण जी कभी उस चीज की पूजा करने की बात कभी नहीं सकते जो बनती और बिगड़ जाती है। क्या मूर्ति बनती नहीं, बिगड़ती नहीं? मंदिर बनते नहीं, बिगड़ते नहीं? मस्जिद बनती नहीं, बिगड़ती नहीं? मंत्र बनते नहीं, बिगड़ते नहीं? सब कुछ बनता बिगड़ता है, केवल एक चीज जो कभी बनती बिगड़ती नहीं है वो आत्मा है। कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है, अध्याय 3:13-15-16 ये चारों श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब नास्तिक है, पापी है। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं देवताओं की पूजा करते, हम भी नहीं हवन यज्ञ करते, हम भी नहीं बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते, यानी हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 13, 14, 15, 16 उन लोगों के लिए बोला जो अभी छोटी क्लास में है, अभी छोटी क्लास में है, यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो क्या करे बेटा? वो हवन यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। मुसलमान है तो नमाज पढ़े, सिख है तो ग्रंथ साहब का पाठ करे, ईसाई है तो जाके बाइबल का पाठ करे, और जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आता है वो उसके लिए अध्याय 3:17 क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अच्छी तरह पढ़ो गीता को, अध्याय 3:17 तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर कृष्ण जी कहना क्या चाहते थे और हमें करवा क्या दिया। तब समझ में आएगा कि ये आत्म तत्व क्या है जिसके लिए सब संत बोलते हैं, महिमा गाते हैं, जल में नींद प्यासी मुझे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना निर्भटके कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हम काबा जा रहे हैं, मुसलमान भाई बंदगी करने अल्लाह की, और हिंदू भाई सोच रहे हम काशी जा रहे हैं भगवान की पूजा करने, लेकिन कबीर साहब की नजरों में वो क्या है? अज्ञानी जी भटकने जा रहे हैं।